तो गाइस स्वागत है आपका असली अखाड़ा के एपिसोड नंबर 2 में। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीक करा था हमने सीरीज का स्टार्ट, और हिंदी रेसलिंग कम्युनिटी में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करी है जो कि एक पॉडकास्ट कोलैब सीरीज। और लास्ट वीक इसका पहला एपिसोड डेब्यू हुआ था रेसल चैटर के चैनल पे, और आज इस बार जुड़ चुके हैं रेसल चैटर हमारे चैनल पे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था इसका एक एपिसोड उनके चैनल पे और एक एपिसोड होने वाला है हमारे चैनल पे अपलोड। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, रोहित वेलकम टू रेसल इंडिया, कैसा लग रहा है आपको पहले एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए? सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि असली अखाड़ा जब मैं कोई नई चीज़ ट्राई करता हूँ कुछ भी, फिर चाहे मैंने पास्ट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ करी, तो आपका जो सपोर्ट है हमेशा से ही कमाल का था। और इस बार भी आप लोगों ने हमारी इस कोलैब सीरीज को काफ़ी सपोर्ट किया, तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, और होप करता हूँ कि आपका ये सपोर्ट ऐसे ही हमारे लिए कंटिन्यू रहेगा। अब रोहित, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें हमने इस वीक के टॉपिक्स को, लोगों ने पिछली बार काफ़ी सारे कमेंट्स करे हैं, और गाइस आपके यहाँ पे मैं दो ऐसे क्वेश्चन लेना चाहूँगा जो पता नहीं कितने सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा है। सबसे पहले रोहित, लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि यार ये सीरीज जो है वो फेस कैम आखिर क्यों नहीं है, कि हम फेस कैम वीडियो इसको क्यों नहीं बना रहे, तो आप बताएं कि आखिर इसके पीछे जो एक्चुअल रीज़न है वो क्या है? अब देखो, अगर मैं आपको बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर दूं, तो फेस कैम वीडियो में मैं आपसे कहूंगा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। अभी जो आप लोग ये ऑडियो सुन रहे हो इसमें हम लोग कह सकते हैं हमने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, भले आपको शायद लग ना रहा हो लेकिन इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। और फेस कैम की बात करें तो यार आप लोग जानते हो मैंने अपने पिछले चैनल पर भी एक साल के बाद फेस कैम किया था, तो सच में फेस कैम वाली वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगता है। और मैं चाहता हूँ अगर हम कोई काम करें तो एकदम परफेक्ट हो, तो आप लोग कह सकते हो फेस कैम के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऐसी सपोर्ट कंटिन्यू रखते हो तो डेफिनेटली वो काफ़ी जल्दी होने वाला है, और फेस कैम को लेकर भी हमारे प्लान्स हैं। और दूसरा ऐसा क्वेश्चन रोहित जो लोगों ने पूछा है वो ये है कि आपकी वीडियोस काफी लंबी होती हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप बताएं कि आखिर लंबी वीडियोस बनाने के पीछे रीजन क्या है, और क्या ये वीडियोस आने वाले कुछ समय में हम थोड़ी छोटी कर सकते हैं? अब देखो, जैसे कि आपने असली अखाड़ा का पहला एपिसोड देखा वो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का है, तो यार देखो ये जो पूरी सीरीज है एक तरह से पॉडकास्ट टाइप है। अब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने जरा सी किसी टॉपिक को लेकर बात कर लिया और उसे छोड़कर चले गए, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी बात है एकदम क्लियर हो, बिल्कुल हम उसमें डीप में घुस जाएं ताकि आपकी जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो। लेकिन हाँ, हम लोगों की अब कोशिश है कि ये जो वीडियोज हम छोटी रखेंगे, और आई थिंक अब जो आपको आगे असली अखाड़ा की सीरीज में वीडियोज देखने को मिलेंगी वो शायद उतनी लंबी नहीं होंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग वीडियोज देखकर बोर हो। तो जैसा कि रोहित ने आपको बताया गाइस, ये दोनों चीज़ें आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, तो होपफुली अब आपको पता लग गया है कि इसके पीछे रीज़न क्या था। तो आज के इस एपिसोड के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीक बताया था, इंस्टाग्राम पर हम हर हफ्ते डालेंगे एक पोस्ट और उसमें आप लोग हमें क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और जो टॉप के 3 क्वेश्चंस हमें लगेंगे वो हम करेंगे पिक। तो इस वीडियो में हम तीनों क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, और समय आ गया है पहले इंस्टाग्राम क्वेश्चन को लेने का, और ये आता है अविष्कार की तरफ से, और ये पूछते हैं व्हाट इफ यू गेट चांस टू विजिट एनी WWE लाइव इवेंट लाइक रॉ, स्मैकडाउन लाइव और एनी पे पर व्यू। तो रोहित क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर? अब देखो, जहाँ तक बात है लाइव इवेंट की, तो उसके लिए मुझे लगता है ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत है, क्योंकि WWE ऑर्गेनाइज कर ही देगी कुछ टाइम में, एक साल में या फिर दो साल में, या फिर पता नहीं इस बार क्यों नहीं किया, लेकिन हाँ वो तो काफ़ी जल्दी WWE कर देगी। और आयुष तैयन वहाँ पर जाकर भी आएँ तो वो आपको बताएंगे अपना एक्सपीरियंस। लेकिन बात करें अगर हम रॉ और स्मैकडाउन की या किसी पे पर व्यू की, तो आई थिंक अगर हम जाएँ अमेरिका जाकर कोई शो देखें तो वो मेरे लिए मैं कहूँगा काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होगा। बाकी लाइव इवेंट तो वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे और मुझे लगा कि क्या पता ऐसा कुछ करना चाहिए अपनी ऑडियंस के लिए, तो ज़रूर डेफिनेटली आप ऐसा रेसल चैटर चैनल पर देख सकते हैं। बाकी आविष्का का एक्सपीरियंस था WWE के दिल्ली वाले इवेंट का वो आपको बता देंगे। अब मैं गाइज ये कहना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में गया था लास्ट ईयर जब इवेंट हुआ था, और मैं 2 बार एक्चुअली जा चुका हूं उस लाइव इवेंट में, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है WWE को लाइव देखना। लेकिन जैसा कि रोहित ने कहा, अमेरिका में जाके उसी चीज़ को देखना एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यहाँ पे अविष्कार को क्वेश्चन भेजने के लिए। और फाइनली टाइम आ चुका है गाइस कि हम अपने टॉपिक्स में बढ़ें, और आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक्स होने वाले हैं फिन बैलर, ब्रॉक लेसनर, ब्रॉन स्ट्रोमैन, सारी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की हम करेंगे सिचुएशन डिस्कस, उसके बाद विमेंस के टैग टीम चैंपियनशिप टाइटल और क्या है हमारे उस पर ओपिनियंस, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, अंडरटेकर के भी बारे में हम करेंगे बात, और हम करने वाले हैं टॉपिक को अपने स्टार्ट। और रोहित सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि मंडे नाइट रॉ पे फिन बैलर ने कर दिया है रिप्लेस ब्रॉन स्ट्रोमैन को, और अब उनका मैच होने वाला है ब्रॉक लेसनर के साथ रॉयल रंबल में। तो रोहित आपके इस पर क्या ओपिनियन है, क्यों आपको लगता है कि WWE ने ऐसा किया, हमें जो भी आपको बताया इसके बारे में जरूर बताएं। अब देखो, इसके लिए क्या रूमर्स है, क्या अपडेट्स हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको अपने चैनल पर दे चुका हूँ अगर आप लोग एक्टिव चैटर हैं। लेकिन मैं अगर आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे भी यहाँ पर कहने के लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का इंजरी इश्यू हो सकता है, या फिर
विंस मैकमैन को अच्छा नहीं लगा कि फिर से मैच करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये काफी रिपीट बार हो जाएगा मैच। और बात करें फिन बैलर की तो ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें पुश कर रही है। और मुझे तो यहाँ पर ये भी लगता है कि अगर वो डीमन में आ गए तो क्या पता वो सच में ब्रॉक लेसनर को हरा भी दें। हालांकि मुझे पता है इस बात से काफी लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट फिर भी ये जस्ट ओपिनियन है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई बड़ा शॉक दे दे और बाकी फिन बैलर को अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे हिसाब से काफी अच्छी चीज है। अब देखते हैं। मुझे तो जरूर लगता है रोहित आपने वहां पे बोला ये चीज आपने बोली कोई डिसएग्री इससे कर सकता है और जो पहला बंदा उससे डिसएग्री करने वाला है वो आपके सामने ही आपसे अभी बात कर रहा है और वो है आयुष। और मैं ये कहना चाहूंगा कि फिन बैलर का डेमन गिमिक जो है वो अगर रॉयल रंबल में WWE लाती है तो होगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक जो उसका नुकसान होगा वो डीमन हारेगा और ब्रॉक लेसनर से हारेगा क्योंकि मुझे नहीं लेकिन, लगता लेकिन 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 एक सेकंड ऐसा जरूरी नहीं कि अगर डीमन में आ गया तो ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब से मेन रोस्टर में फिन बैलर आए हैं डीमन के साथ, आई थिंक NXT में भी शायद एक बार ही आ रहे थे और डीमन का जो करेक्टर काफी जबरदस्त बुक होता है, तो क्या पता ऐसा भी हो जाए कि वो सच में ब्रॉक लेसनर को हरा दे और बन जाए चैंपियन। बिल्कुल WWE हमें सरप्राइजेस दे सकती है, लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियन नहीं रहेंगे और रेसलमेनिया में फिन बैलर होंगे यूनिवर्सल चैंपियन? अगर ऐसा पुश उनको देना होता फिन बैलर को तो पिछले 2 साल से विंस मैकमैन और उनकी क्रिएटिव टीम कहां पर थी जब WWE को एक्चुअली में फिन बैलर को पुश करना चाहिए था? ब्रॉक लेसनर आते नहीं थे, रोमन रेंस चैंपियन बन सकते थे और सारी उनके पास पॉसिबिलिटीज थी। अब जाके उन्होंने फिन बैलर को अपॉर्चुनिटी दी है। क्या हमें लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब एकदम से फिन बैलर का वो पुश आ गया और ब्रॉक लेसनर के बारे में वो सोच नहीं रहे हैं, या फिर ब्रॉक लेसनर के साथ क्या होगा अगर फिन देखो, बैलर देखो यहाँ पर चीज ऐसी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ब्रॉक लेसनर तो अभी तक भी कुछ नहीं कर रहे थे, एकदम से WWE को क्या चढ़ गया। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि WWE ने जैसे कहा कि अब वो फैंस की सुन रहे हैं, तो शायद इसके अंदर हो सकता है एक चीज ये भी हो जाए कि हाँ फैंस चाहते हैं फिन बैलर को पुश मिले, तो शायद इसके चलते वो बन जाए यूनिवर्सल चैंपियन। बट खैर ये काफी डिबेटेबल टॉपिक है, आयुष के यहाँ पर अलग ओपिनियन है, मेरा अलग है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा होगा ही, बट हाँ ये एक पॉसिबिलिटी है। रही बात ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो एकदम से यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच से अब क्या वो रॉयल रंबल में होंगे भी हमें नहीं पता, बट WWE ने तगड़ा बुक करेगी क्योंकि जैसे उन्होंने लीमोवारी कार को पलटा तो ये तो समझ आ रहा है कि WWE उन्हें हमेशा ही तगड़ा बुक करेगी। लेकिन शायद रॉयल रंबल के लिए उनकी जो चीजें अब वो शायद पहले से थोड़ी ज्यादा बेकार हो गई हैं। तो गाइस ये था हमारा पूरा डिस्कशन फिन बैलर, ब्रॉक लेसनर और यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ऊपर। अब रॉयल रंबल जैसे जैसे पास आएगी अगले हफ्ते के एपिसोड में हम करेंगे इसके बारे में डिस्कस। अगला टॉपिक है हमारा विमेंस की टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में, और WWE ने फाइनली एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी और टैग टीम टाइटल्स जो हैं विमेंस के लिए लॉन्च कर दिए, और हमें पता लगा है कि एलिमिनेशन चैम्बर में पहली विमेंस डिवीजन में चैंपियंस हो जाएंगे क्राउन। तो रोहित आप हमें बताएं क्या आपको लगता है WWE के इस डिसीजन के बारे में? सबसे पहले तो चैंपियनशिप का आना काफ़ी अच्छी चीज़ है, जितने ज़्यादा टाइटल्स होंगे मेरे हिसाब से तो उतना ही ज़्यादा मज़ा है। अब ऐसा भी नहीं कि 100 टाइटल ले आओ, एक लिमिटेड अगर टाइटल हो WWE के पास, इससे सारे सुपरस्टार्स की बुकिंग अच्छी होती है, जिसके पास टाइटल होगा समझ लो उसे अच्छा पुश मिल रहा है। तो ऐसे में वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का आना काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि एक ही टैग टीम चैंपियनशिप है, मतलब कि एक ही पेयर है, तो ऐसे में कैसे वो स्मैकडाउन से रॉ पर आएगी, कैसे रॉ से स्मैकडाउन लाइव पर जाएगी, बस मेरे लिए यही इंटरेस्टिंग है देखने वाला। बाकी टैग टीम चैंपियनशिप आई है ये काफ़ी अच्छी बात है, और मैं यहाँ पे रोहित के ओपिनियन से कुछ ज़्यादा डिसएग्री नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम आएगा हमें पता लगेगा कि WWE इसको कैसे बुक कर रही है, और उसी हिसाब से जो है हमें पता लगेगा कि कौन जीतने वाला है इस मैच को। तो आप लोग अपने ओपिनियंस हैं, अपने कमेंट्स हैं हमें बताएं नीचे कमेंट्स में कि कौन आपके हिसाब से इस मैच को जीत सकता है, कौन बन सकता है पहला विमेंस का टैग टीम चैंपियन। तो गाइस अब समय आ चुका है कि हम लें अपना इंस्टाग्राम का क्वेश्चन नंबर 2, और ये आता है ऋषि Insta09 की तरफ से, और ये पूछते हैं भाई WWE क्या एटीट्यूड एरा वापस लाना चाह रही है? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस मंडे नाइट रॉ के बाद काफी सारे लोग पूछ रहे हैं। रोहित आप मुझे बताएं, आप सब लोगों को बताएं, क्या इस मंडे नाइट रॉ के बाद हम कह सकते हैं एटीट्यूड एरा वापस आ गई है? अब देखो एक रॉ के बाद एटीट्यूड एरा जितना जैसा बड़ा शब्द WWE के लिए यूज़ करते हैं, मुझे लगता है कहने की गलत है। और आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन क्यों आ रहा है वो भी मुझे पता है, क्योंकि एकदम से रॉ में जो चेंज हुआ, ऊपर से एलेक्सा ब्लिस का वो बैकसीज वाला सेगमेंट, जहाँ पर ऐसे वाले सीन तो हमें एटीट्यूड एरा के अंदर ही ज़्यादातर देखने को मिलते थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा एक रॉ के एपिसोड से ऐसा कोई बड़ा चेंज होने वाला है, और डेफिनेटली एटीट्यूड एरा पूरी तरीके से वैसी तो वापस नहीं आएगी जैसे पहले थी, लेकिन WWE यहाँ पर कुछ ऐसी कोशिश कर रही है कि WWE के जो हार्डकोर फैंस हैं, मतलब पुराने वाले जो फैंस हैं, उनको कोई ऐसा WWE के अंदर प्रोडक्ट दिया जाए जिससे कि अपने आप को एंटरटेन कर सके। हाँ WWE की कोशिश मुझे अच्छी है। और मुझे रोहित ये भी लगता है, यहाँ पर ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मुझे नहीं पता आप बोलना चाहते हैं नहीं उस पॉइंट को, लेकिन लोगों को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एटीट्यूड एरा अगर यहाँ पे वापस लानी है और ऐसा कुछ करना है कि WWE हमें लगे कि यार एटीट्यूड एरा वापस आ गई, तो खुद WWE के लिए आसान काम नहीं होगा,
क्योंकि जिस हिसाब के परफॉर्मेंस हमें एटीट्यूड एराज में देखने को मिले, जिस तरीके की बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यू करती थी, क्या उतनी खुली सोच इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू की है? क्या वो उस बिल्कुल आयुष आप लोग सही कह रहे हो, क्योंकि अभी का जो एरा आप लोग जानते हो पीजे एरा है, और उतने ज्यादा उस लेवल के सीन कर पाना, उस लेवल की स्टोरी दे पाना, उस लेवल के सुपरस्टार थे, आज के सुपरस्टार को वैसा बना पाना काफी मुश्किल। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू का स्टेप काफी अच्छा है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग करती है। लेकिन हाँ, ये चीज आयुष ध्यान में रखनी होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी जो सीमाएं, अपनी जो लिमिट्स उनको पार ना कर दे, क्योंकि एटीट्यूड एरा में जो अगर वो ऐसे ही आ जाता है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को दिक्कतें भी हो सकती है। बिल्कुल आपकी बात सही है गाइस, और ऋषि इंस्टा 09 को एक बार मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, तो वो है जॉन सीना के बारे में, और ये भी काफी डिमांडिंग टॉपिक रहा है लास्ट वीक के कमेंट्स में और इंस्टाग्राम पर भी। रोहित, जॉन सीना अभी वापस आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्या रेसलमेनिया में आपको लगता है ये बन जाएंगे 17 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन? क्या है इनका फ्यूचर, आप हमें बताएं। अब देखो, जैसे कि आप लोग जानते हो जॉन सीना रॉयल रंबल में आने वाले हैं, और वो रॉयल रंबल में आ रहे हैं तो ऐसे में जॉन सीना के फैंस की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि जॉन सीना हो सकता है रॉयल रंबल जीत जाए, और रॉयल रंबल जीतेंगे तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं रेसलमेनिया में आने का उनका चांस है, चैंपियनशिप मैच उनका लड़ने का चांस है। लेकिन जैसे कि मैं आपको एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि फिलहाल ऑड्स क्या कहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो कहने की यहां पर जॉन सीना इस मामले में थोड़ा सा पीछे है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एकदम से उन्हें अभी पुश करने वाली है। मुझे कहने की पर्सनली ऐसा लगता है कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेंगे, लेकिन वो टाइम कितना जल्दी आने वाला है इस पर मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे हिसाब से फिक्स है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा जरूर करेगी। आज तक उन्होंने पुश किया जॉन सीना को, तो आगे भी होगा, लेकिन ये चीज कितना जल्दी होगी, क्या रेसलमेनिया 35 में होगी, शायद अभी मैं इस पर पूरा से एग्री नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, इनकमिंग टाइम में शायद डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना के लिए कुछ ना कुछ अच्छा फ्यूचर ही रखेगी। आयुष, आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होगा रेसलमेनिया 35 में, फिर रॉयल रंबल क्या वो जीत सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी कि जॉन सीना रॉयल रंबल जीत सकते हैं, और अगर वो जीतते भी यार तो मैं ऐसा फैन हूं जो कि खुश नहीं होगा, क्योंकि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू से कुछ नया देखना चाहता हूं। और एटीट्यूड एरा वापस लाने का मतलब ये नहीं है कि सारे पुराने सुपरस्टार्स को एक बार फिर से पुश दे दो, उसका मतलब वो नहीं है बिल्कुल भी। और जॉन सीना का 17 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बनना मुझे लगता है अभी भी थोड़ा दूर है, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीक के एपिसोड में भी कहा था, मुझे लगता है कि उनका इस बार होने वाला है अपोनेंट रेसलमेनिया का ड्रू मैकइंटायर, और वही डब्ल्यूडब्ल्यू हमें अभी तक बता रही है शायद, और हमें पता लग रहा है कि वही जॉन सीना का जो है वो मैच हो सकता है। तो गाइज, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को एंड करें और इंस्टाग्राम का फाइनल क्वेश्चन लें, मैं रोहित से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि अंडरटेकर हमें देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 35 में? अब देखो, अंडरटेकर का फिलहाल क्या सीन है, उनको लेकर कोई ऐसी ज्यादा अपडेट्स नहीं है, वो इतना ज्यादा हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में फिलहाल देखने को भी नहीं मिल रहे। पुराने कुछ टाइम में, मतलब पिछले कुछ मंथ्स में उन्होंने काफी ज्यादा रेसल किया, लेकिन उनके रॉयल रंबल के स्टेटस की बात करें नहीं पता क्या वो आएंगे। रेसलमेनिया 35 के स्टेटस की बात करें वो भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, अंडरटेकर ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि रेसलमेनिया में अपेयर होते ही होते हैं, तो ऐसे में मैं तो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जरूर आ सकते हैं रेसलमेनिया 35 में। बट फिलहाल क्या ये चीज कंफर्म होगी, मैं इस बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। आयुष, क्या आपके कुछ अलग थॉट्स हैं, आप कुछ बता सकते हो, इसमें कुछ ऐड कर सकते हो? ज़्यादा नहीं है मेरे पास ऐड करने को यहाँ पे गाइस, और मैं बिल्कुल यहाँ पे रोहित के ओपिनियन के साथ अग्री करना चाहूँगा, और अंडरटेकर के बारे में जैसे ही हमें कोई अपडेट्स आएंगी ज़रूर हम आने वाले एपिसोड्स में उसको करेंगे डिस्कस। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले फाइनली हम लेते हैं लास्ट इंस्टाग्राम का क्वेश्चन, जो कि आता है आशीष माहन के दे की तरफ से, और पूछते हैं रैंडी ऑर्टन के लिए क्या प्लान्स हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के आगे, और या फिर क्या होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। तो मुझे पता है रोहित, आपके वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स हैं रैंडी ऑर्टन, तो मेरा तो एक क्वेश्चन आंसर करने का शायद मतलब ही नहीं बनता, तो आप ही बताएं कि रैंडी ऑर्टन के बारे में क्या है आपके थॉट्स, और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है उनके साथ? बिल्कुल, रैंडी ऑर्टन मेरे फेवरेट सुपरस्टार है, लेकिन उनकी जो फिलहाल हालत चल रही है मुझे भी वो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। और बात करें रेसलमेनिया 35 के उनके क्या प्लान्स होंगे, तो यार फिलहाल देखते हुए तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू रैंडी ऑर्टन को बढ़िया तरीके से बुक करेगी। वो एक बड़े स्टेज के सुपरस्टार हैं, बड़े लेवल के सुपरस्टार हैं, और क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा भी कर दे कि कोई पुराना सुपरस्टार जो कि एक लेजेंड टाइप हो उसकी रैंडी ऑर्टन से फ्यूड हो जाए रॉयल रंबल के बाद, या फिर रॉयल रंबल से ही। बट फिलहाल ऐसे ज्यादा कुछ कहने के लिए यानी ना कोई अपडेट्स हैं, तो रैंडी ऑर्टन को लेकर अभी चीजें मैं कहूंगा काफी ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हैं। तो गाइज, इसी के साथ हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ असली अखाड़ा का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर करें, हमारे दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते के टॉपिक्स के लिए यूट्यूब कमेंट्स और इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बने रहें, यहाँ पे आप फिर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर इस बार आपका क्वेश्चन नहीं लिया गया है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक लिया जाए। और इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं रोहित से पूछना चाहूंगा फाइनल थॉट्स कि क्या हैं आपके आज के इस एपिसोड में। तो आई होप असली अखाड़ा के फर्स्ट एपिसोड की तरह आपने सेकंड एपिसोड भी काफी एंजॉय किया होगा, आई होप आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो जैसे कि आयुष ने कहा लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना, और हम मिलते हैं आपसे असली अखाड़ा के थर्ड एपिसोड में ऑन रेसल चैटर।